मरकजी वजीर शहरी आवाबाजी ज्योति आदित्या सिन्हा ने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डी रमारा की मौजूदगी में ड्रोन के जरिए दवाओं की मुंतकली की स्कीम मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम का अफ्तताह किया। विकाराबाद के परेड ग्राउंड पर मुनक़दा इस तकरीब में रियासती वजीर तालीम सबिता रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, अरकान असेंबली कौंसिल विकाराबाद रंगारेड्डी के सुदूर जिला परिषद, जिला कलेक्टरों और दूसरों की बड़ी तादाद शरीक थी। ये मुल्क में अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम है। ड्रोन्स के जरिए अद्वियात और वैक्सीन की मुंतकली का प्रोग्राम तेलंगाना से मुतारिफ किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी के खिलाफ सियाह झंडों का मुजाहरा किया। उनका कहना है कि वो कांग्रेस से मुस्तफी होकर वजारत के लिए बीजेपी में शामिल हुए। सो वी कॉल आवरसेल्व्स अ स्टार्टअप स्टेट, वी थिंक लाइक अ स्टार्टअप, वी वर्क लाइक अ स्टार्टअप, वी ऑपरेट विद द बेंट ऑफ माइंड ऑफ अ स्टार्टअप, यू नो, वेरी एजाइल, प्रोग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी मेकिंग। एज अ रिजल्ट टुडे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना has set up what is called as emerging technologies corridor. We have a policy for each of the emerging technology. Drone is one such technology which we are leveraging extensively. Proud that you have come, proud that you are participating in a wonderful initiative which has combined both healthcare and the expertise of technology. The intersection of technology and healthcare is an exciting opportunity. ee roju manam aalochinchinattaithe ee rakamga ee drone la dwara ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడవచ్చు అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడే మీరు చూసినారు ఇక్కడ డ్రోన్ టేక్ ఆఫ్ అయ్యి అందులో మనకు కావాల్సిన వ్యాక్సిన్ని కావాల్సిన మందులని లేదా అవసరమైతే రక్తాన్ని కూడా తీసుకొని ఏ ట్రాఫిక్ సమస్య లేకుండా 5 నిమిషాల్లో 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్కి పోయి అక్కడ ల్యాండ్ అయింది. ఇప్పుడే మీరు తెర మీద చూసి ఉండొచ్చు. ల్యాండ్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఉండే డాక్టర్లు అక్కడ ఉండే నర్సులు ఆ మందులు తీసుకొని తక్షణమే అక్కడ ఉండే పేషెంట్లకు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మనం చూస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు అంబులెన్సులు ట్రాఫిక్లో చిక్కుకొని పోతూ ఉంటాయి. మనం పేపర్లో చూస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు ఒక మనిషికి గుండె మార్పిడి అవసరం ఉండే ఎయిర్పోర్ట్ని మొత్తం ట్రాఫిక్ని స్తంభింపజేసి అంబులెన్స్ను పరుగులు పెట్టించారు పోలీస్ వాళ్ళని చెప్పి పేపర్లలో టీవీలలో అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది. అట్లాంటివి ఏమీ అవసరం లేకుండా మందులు ఇవ్వాల్సి వస్తే వేగంగా చేరవేయాల్సి. జంగ్లాత్ కి తహఫుజ్ మే అప్నీ జానో కి ఖుర్బానీ దేనే వాలే మోగమే గౌదారో కి యాద్ మే नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एक तकरीब मनकद हुई। वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने मोगेम जंगलात के शहीद अहदेदारों की यादगार पर फूल चढ़ाए और कहा कि जंगलात और माहौलियात के तहफ्फुज के लिए उनकी कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता। जंगलात के अहदेदार पुलिस और फौज की तरह अपनी खिदमत अंजाम देते वक्त जिंदगियों को भी जोखिम में डालते हैं। इस मौके पर सदर नशीद फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वी प्रताप रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोगेम जंगलात ए शांति कुमारी, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट ऑफिसर आर शोभा और दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। ग्राम पागोट गौरवनी फारेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन श्री वंटेर प्रताप रेड्डी गारु अदे विधा गौरवनी श्रीमती स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी गारु अदे विधा गौरवनी पीसीसी मैडम आर शोभा गारु पीसीसी कैंप लोकेश जयस्वाल गारु खेर हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन का कौमी महीना मनाया जा रहा है जिसके दौरान कुवतबख्श गजाओं के बारे में अवामी शऊर की बेदारी के प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे हैं। खेर हॉस्पिटल नामपल्ली में मुनक़दा प्रोग्राम में एडिशनल कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन ए रमना रेड्डी मेहमान खसूसी थे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट मधु रीमा सिन्हा, डॉक्टर नवीद चंद और सैयद कामरान हुसैन ने न्यूट्रिशन की अहमियत पर रोशनी डाली। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोषक अभियान का एक तरीका है जिससे हम प्रेग्नेंट वुमेन, यंग लड़कियां, कुपोषित बच्चे सबकी देखभाल के लिए और उनमें अवेयरनेस लाने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए जा रहे हैं जो चल रहे हैं जिनसे गर्भवती महिलाओं और बच्चों में कुपोषण क्यों होता है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सब बताया जा रहा है। बीइंग डाइटिशियन हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस लाना। इसके लिए हम बहुत तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको प्रेजेंटेशन करते हैं, टॉक्स देते हैं, बट अभी पैंडमिक की वजह से ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं। इसलिए इस साल हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ी छोटी गैदरिंग के लिए।
अदरवाइज हम बहुत सारे डेज और बाहर जाके हेल्थ कार्ड्स देना, जो लोकली अवेलेबल चीज़ें हैं उनमें क्या क्या पोर्शन है इंस्टेड ऑफ प्रोसेस, हम वो बताना चाहते हैं और बताते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट और बच्चों के लिए। छोटे बच्चे आजकल की पैकेज चीज़ें देख के, अट्रैक्टिव पैकिंग देख के वो चीज़ें खाने की मांग करते हैं, बट जो उनके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इन जनरल जो चीज़ें अवेलेबल है, चिप्स है, वेजिटेबल्स है, आजकल के बच्चे ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, बिना कुछ खाए स्कूल चले जाते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है। पेरेंट्स को कन्वे करना चाहिए बच्चों को और हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि वो घर का बना ब्रेकफास्ट किए बगैर स्कूल के लिए नहीं निकले, डेली 2 से 3 फ्रूट खाएं, ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स डेली इंक्लूड करें अपनी डाइट में, मिल्क प्रोडक्ट, अंडे, नॉन वेज भी खा सकते हैं, पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक डेली बेसिस पे होना बहुत ही जरूरी है। उन्नीस सौ 71 में पाकिस्तान की जंग और फिर बांग्लादेश के क्याम की याद में बहरिया की मशाल हफ्ते को बुलारम के नेवी हाउस को पहुंची। इस मशाल का, जिसे विक्ट्री फ्लेम का नाम दिया गया है, 16 दिसंबर 2021 को आगाज हुआ था, जो मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों और शहरों का दौरा करते हुए पोर्ट ब्लेयर को पहुंचेगी। एयर एडमिरल वी राजशेखर ने नेवी हाउस बुलारम में मशाल का खैर मकदम किया। उन्होंने 1971 की जंग में शहीद होने वाले हिंदुस्तानी सिपाहियों को जबरदस्त खराज अकीदत भी पेश किया। इस मौके पर नेवी के 20 जवानों को तैनात भी पेश की गई। बाद जैसा ये मशाल हैदराबाद से नागपुर के लिए रवाना हो गई। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना के जरिए तमाम उर्दू मीडियम के साथियों को तैनात पेश करने के लिए एक तकरीब उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद हुई। वजीद आखरा महमूद अली ने उर्दू टीचर्स में अवार्ड तकसीम किए और रियासती उर्दू कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में उर्दू जबान के फरोग के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। उर्दू जरिए तालीम को आम करने के मकसद से अखिलती अकामती स्कूल और कॉलेजेस कायम किए गए। मैं ख्वाजा खुतबुद्दीन, रियासती सदर उर्दू टीचर्स एसोसिएशन। अल्हम्दुलिल्लाह आज उर्दू मस्कान हैदराबाद में अजीमुशान पैमाने पर उर्दू रियासती उर्दू कॉन्फ्रेंस वो असातिज़ा इकराम की तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खसूसी की हैसियत से जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, रियासती वज़ीर दाखिला और दीगर मेहमानान शिरकत फरमाए हैं। इस इजलास में करीम नगर, हैदराबाद, महबूब नगर, नलगुंडा, रंगाराडी हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ अजला के कसीर तादाद में असातिज़ा इकराम मुहिब्बान उर्दू शिरकत किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब रहा है और इसके साथ साथ इन असातिज़ा जो पेंडेमिक के पीरियड में जो है ना डिजिटल क्लासेस उर्दू मीडियम लिए हैं उनकी भी तहनीत पेश की गई। तकरीबन 60 से 70 असातिज़ा इकराम को जो है ना तहनीत पेश की गई है। हम उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से उन तमाम को मुबारकबाद देते हैं और जो मेहमानान हैं यहाँ पर शिरकत किए हैं उन सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हैदराबाद में फ्रांसीसी शहरी खातून का हुआ कत्ल। राजेंद्र नगर के इलाके खिस्मतपुर में मारी क्रिस्टनी नामी फ्रांसीसी शहरी का हुआ कत्ल। तफसीलात के मुताबिक मैरी, जो के फाउंडर है मारिका हाई स्कूल खिस्मतपुर की और वो पिछले 30 साल से हैदराबाद में रह रही है। मारी कल से अपने घर से लापता थी, आज उसकी नाश किस्मतपुर के इलाके में मिली। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुर्देखाना मुंतकिल कर दिया है। जराए के मुताबिक पुलिस ने एक जोड़े रोमा और उसके शौहर को हिरासत में लिया है और शुबा है कि जायदाद के मामला कत्ल की वजह हो सकती है। फिर भी पुलिस हर जाविये से तहकीकात कर रही है। 9th నైట్ లో ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది మేరే కాని ఒక 68 ఇయర్స్ ఓల్డ్ లేడీ మిస్సింగ్ అని చెప్పేసి మా కంప్లైంట్ వచ్చింది ఇమీడియట్గా ఆమెకి ఇక్కడ ఒక స్కూల్ ఉంది కిస్మత్పూర్లో ఆ స్కూల్ దగ్గరకు వచ్చి చూసేటప్పటికీ ఆమె కార్ అక్కడ పార్క్ చేసింది ఉన్నది కానీ ఆమె కనపడలేదు తర్వాత ఆమె ఏం పోయిందని చెప్పి ఇన్వెస్టిగేషన్ లోపల తేలింది ఏంటంటే ఆమెను అదే రోజు రాత్రి ఆమె పెంచుకున్నటువంటి కూతురు రోమా అనే ఆమె ఆమె ప్రియుడితో కలిసి అంటున్నట్టు తెలిసింది ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తున్నది మళ్ళీ చెప్తాను ఓకేనా కంప్లైంట్ వాళ్ళు అల్లుడు వచ్చింది ప్రశాంత్
सिंगरानी कॉलोनी सैदाबाद में एक 6 साल लड़की की अस्मत रेजी और कत्ल के वाके के बाद सीपीएम के रियासती सदर टी वीरा भद्रा ने मुतासर लड़की के अरकान खानदान से मुलाकात की। उन्होंने इस वाके की सख्त मजम्मत करते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी और उसे कैफरे किरदार को पहुंचाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि लड़की की गुमशदगी के मामले को पुलिस ने संजीदगी से नहीं लिया, वरना ये वारदात खूबपुजीर न होती। रियासती कांग्रेस के कारगुजा सदर मल्लू रवि और तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडा राम भी उनके हमराह थे। अगल तरीन उजरतों में इजाफे का मुतालबा करते हुए ट्रेड यूनियन तंजीम CITU के कारकुनों ने मीरपेट में एक रैली निकालने की कोशिश की। पुलिस ने तमाम कारकुनों को हिरासत में लिया और इस तरह उनकी रैली नाकाम हो गई। आदि पट पारिश्रमिक प्राथमी पादयात्री वीलानी अड्डक आदि पट पारिश्रमिक प्रां भारत देश आदि पट पारिश्रमिक प्रां के भाग का हक लेवा इकड पोली राज्यमा कनीस वेतन कोसम होरा अड्डारा पोलिस पादयात्री अमतिक दौर्जन्य अरेस्ट ఈ దుర్మార్గాలను గాను రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు తెలుసుకోవాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి ప్రభుత్వాలను హెచ్చరిస్తున్నాం. ఇంతటితో ఇది ఆగదు. పాదయాత్రను కూడా అనుమతించకుండా పోలీసులు చేస్తున్నటువంటి దౌర్జన్యాలను ఖచ్చితంగా తిప్పికొడతా పాదయాత్ర ముగించే నాటికి పెద్ద పోరాటానికి సన్నద్ధం అవుతున్నారు. కాచుకోమని చెప్పేసి పాలకులను హెచ్చరిస్తున్నాం. హైదరాబాద్ కి నాయి బ్రదరీ నే ఇస్లా ఖానులకు 250 యూనిట్ बल्खी मुफ्त सरबा कंडे हुकूमत के ऐलान गुरबे में लाने की मांग की और इस सिलसिले में गांधी भवन में एक एहतजाजी धरना मुनज़म किया। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी शर्मन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 2018 के असम्बली चुनाव से कबल हर तबके से कुछ ना कुछ वादे किए, लेकिन अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया। शहर के नामवर रूहानी पेशवा हबीब मुश्तबा अलुद्रूस के फर्जंद हबीब मोहम्मद अलुद्रूस ने इल्जाम आयद किया कि उनके सौतेले भाई उन्हें हिरासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो गद्दीनशीन बनने के ख्वाहिशमंद नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए हबीब मोहम्मद उद्रूस ने कहा कि उनके सौतेले भाई हबीब जाफर उनकी वालिदा के बारे में गलत बराबर करवाते हुए उनके वालिद के दरमियान दूरी पैदा कर रहे हैं। हद तो ये है कि उनकी वादा को 8 महीने से नान व नफके से महरूम कर दिया गया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हबीब मोहम्मद अलैदरूस हबीब मुश्तबा अलैदरूस का जो है सो बड़ा लड़का हूँ और मैं आप लोग के सामने कुछ वजाहत देना चाह रहा हूँ जो हमारी दूसरी वाला की तरफ से जो है सो उनके बच्चे आकर जो है सो जो केसेस कराए हैं मेरे ऊपर। 2020 में हबीब जाफ़र और शेख एहतशाम अली रेहान और उनके साथी मिलकर जो है सो मेरे ऊपर झूठे केसेस बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में कराए, जिसका इन्वेस्टिगेशन बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन की पुलिस जो है सो की है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है सो कोर्ट को जो है सो ट्रांसफ़र करे, जिसमें कोर्ट ये देख कर जो है सो केस को जो है सो क्लोज करे, क्योंकि जो है सो केस जो है सो झूठा है बोल के कोर्ट की तरफ से केसेस क्लोज किए गए। वो दोनों औरतें जो है सो पैसे दे के जो है सो क्रिएट किए गए थे लोग की तरफ से और अल्हम्दुलिल्लाह केसेस क्लोज हो गए। और ये लोग सबके सामने जो है सो गद्दी के ताल्लुक़ से जो है सो बदनाम बहुत कर रहे हैं मुझे। तो आज तक जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान में और मुरीदों में सब लोग ये जानते हैं कि जो है सो मैं कभी गद्दी के वास्ते जो है सो सोचा नहीं। और जब अल्लाह जो है सो वालिद की उम्र दराज करे, जब तक वालिद ज़िंदा हैं, जब तक जो है सो हम ना गद्दी के बारे में सोचेंगे ना कोई चीज़ सोचेंगे। ये लोग फेक डॉक्यूमेंट्स बना के वालिद को जो है सो गुमराह करके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, जिसमें जो है सो झूठी सिग्नेचर्स करी मेरी और मेरे भाई की करके जो है सो 3-4 प्रॉपर्टियां जो हमारे नाम पे थी बेच के हबीब जाफ़र रेहान को सपोर्ट करके जो है सो तकरीबन करोड़ों में जो है सो वालिद के डुबाए, जिसमें रेहान जो है सो वालिद का पैसा लेके राजेंद्र नगर में अत्तापुर में शमशाबाद के पास प्रॉपर्टीज़ ख़रीद लिया। ठीक है, वो अल्लाह की मार ऐसी थी कि जो है सो उन्हें एक उसमें ख़त्म हो गया। और ये बच्चे जो कर रहे हैं, ये पैसे वालिद जो घर में रखे थे वो भी जो है सो झूठा नाम बोल के कि हबीब मोहम्मद इनकम टैक्स की रेट करा रहे हैं घर पे बोल के, वो पैसे भी निकाल के रेहान को देने लगाया हबीब जाफ़र, जिसकी वजह से उसको जो है सो क्रेटा गाड़ी जो है सो तोहफे में रेहान की तरफ से मिली। ठीक है, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये सब करे बाद से वालदा को, हमारे वालदा को जो है सो महीने का जो मेंटेनेंस है तकरीबन 8 महीने से एक पैसा नहीं दे रहे हैं। ये सब चीज़ों को हबीब जाफ़र जब वालदा की तरफ से जो औरतें जा रहे हैं वहाँ पे पूछने के लिए मेंटेनेंस का, तो औरतों को हबीब जाफ़र जो है सो गेट के पास से हकाल दे रहा और वालिद से मिलने नहीं दे रहा। ठीक है, तो शरई तौर पर तो जो है सो उन लोगों का हक़ बनता, वो जिस जो हक़ वो देना चाहिए वालिद साहब।
अल्हम्दुलिल्लाह सोमाजीगुड़े में प्रॉपर्टी है जिसके 4-5 लाख रुपए किराया आता, दरगाह खत्ते सालेहीन में झूठे शेड्स बना के फेक मतलब बगैर वक्फ बोर्ड के परमिशन के लेके शेड्स बना के जो है सो करीब 70-80 हज़ार रुपये किराया वो आ रहा। चंद्रायन गुट्टे में प्रॉपर्टीज़ है उसका जो है सो किराया आ रहा। मादन्ना पेट में प्रॉपर्टी है उसका किराया आ रहा। करीब 5-6 लाख रुपये किराया आ रहा लेकिन घर में एक पैसा नहीं दे रहे हैं। हबीब साहब तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हबीब साहब को भटका रहे हैं ये लोग ताकि हबीब साहब जो है सो चीज़ों से दूर रहें। ये लोग का मकसद यही है कि गद्दी हम हासिल कर लें, पूरे प्रॉपर्टीज़ हम हासिल कर लें। जब तक वाली ज़िंदा है हम लोग खामोश बैठ रहे हैं, कोई केस कर रहे नहीं। लेकिन अगर ऐसी रहा तो हम लीगल तरीके से सो उसके ऊपर एक्शन लेंगे और इतना यकीन है कि कानून की तरफ से जो है सो जिसको जो मिलना है वो बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, बस गुजारिश यही है कि ये चीज़ों को जो है सो हबीब जाफ़र और ये लोग जो कर रहे हैं ये चीज़ हबीब साहब को मालूम होना ज़रूरी है। हबीब साहब कई बार ऐसा हुआ हबीब साहब हमारे से मिलना चाह रहे हैं लेकिन ये लोग मिलने नहीं दे रहे हैं। ख़ानदान के लोगों से, मशायखीन से और बहुत सारे लोगों से जो है सो हम जब बोले तो जो है सो वो लोग यही बोल रहे हैं कि जो है सो हबीब साहब मिलना चाह रहे हैं लेकिन ये लोग मिलने नहीं दे रहे हैं। बस ये एक ही चीज़ आप लोग के सामने बोलना चाह रहा हूँ। आगे कोई भी चीज़ होगी उसके ज़िम्मेदार हबीब जाफ़र के भाइयाँ और उनके साथियाँ रहेंगे। और जुमेरात के दिन और उर्से शरीफ में लिहाजा देखा जाए तो जो बयानात होते उसमें जो है सो सवाने हयात सुनाई जाती या जो है सो कुछ अहादीस के ऊपर जो है सो बोला जाता। लेकिन हर जुमेरात को और संदल में जो है सो वालिद से बदतमीज़ी नहीं करना, वालदेन से कैसे रहना। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को मालूम है हम वालिद के साथ कैसे थे और कैसे हैं। ये लोग सिर्फ बदनाम करने के लिए जो है सो ये खेल खेल रहे हैं। बस ये हबीब जाफ़र आपको होना पड़ा, तो क्या होना है? हबीब जाफ़र मेरे वालिद की दूसरी बीवी के जो है सो का बड़ा बेटा है। ठीक है, ये लोग जो है सो जब मेरी 15 साल की उम्र थी जब पैदा हुए ये लोग। ठीक है, ये लोग सिर्फ बताने के वास्ते, हमीद जो है सो हबीब साहब की बड़ी औलाद है बल्कि बताने के, बस इन लोग का मकसद यही चाहिए कि जो भी है हम ही है बताने के वास्ते ये लोग कर रहे हैं सो है। जिस ये लोग का कहना है कि जो है सो ये लोग की शादी हर जगह से मैं रुका रहा हूँ बोल के। ठीक है, तो हबीब जाफ़र की शादी जो है सो अमेरिका में तय हुई थी। उसके बाद वो लोग फेसबुक पर देखे, वो लोग पूरा देखे कि ये लोग कैसे है, उसके बाद वो लोग जो है सो कैंसिल कर दिए। उसके बाद ये लोग कोशिश कर रहे हैं हैदराबाद के बड़े बड़े लोगों से, ताकतवर लोगों से जो है सो अपना रिश्ता जो है सो करने का, जिसके वास्ते वो लोग जब नहीं देते बोले तो वो भी जो है सो मैं बोल के बदनाम शादी को रुकाया बोल के बदनाम कर रहे हैं। और कई लोगों के पास जो है सो इन लोगों के ये लोग रिश्ते के वास्ते पूछ रहे हैं वो लोगों से जिसको ये लोग रस्ते तमाम धक्का मारे। हबीब साहब जो है किस सूरत से लोग खामोश बैठ रहे हैं लेकिन ये लोगों की हर चीज़ को छुपाया जा रहा है। देखिए ये जो नांदेड़ में जो मदरसा है 150 साल पुराना हबीब एदरूस का जो सो मदरसा है, मदरसा एदरूसिया बल्कि है नांदेड़ में, ये जो है सो हमारे ख़ानदान की जो है सो हमारे अजदाद की प्रॉपर्टी है और वहाँ पे खानखा भी है जहाँ पर हर जुमेरात को वहाँ पे भी जो है सो हज़रा होता। वो प्रॉपर्टी ये लोग जो है सो जाके वालिद को ले जाकर जो है सो अबू बकर के नाम पे जो है सो गिफ्ट कर लिए। ये लोग का मकसद यही है जहाँ तक हो सके पूरे प्रॉपर्टीज़ खा जाना। वालिद हमारे से मिलना चाह रहे हैं तो वालिद को रुका दे रहे हैं और तकरीबन लोगों को जो सो ये लोग तोड़ रहे हैं। जितने लोग इनके साथ थे आज लोग पूरे हबीब साहब से दूर हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है वो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आवाम की तफरी के लिए टैंक बंड को हर इतवार को शाम 5 बजे से 10 बजे ट्रैफिक के लिए बंद कर देने के बाद हुकूमत ने अब टैंक बंड पर मौज और मस्ती के कई प्रोग्राम मुनक़द करने का फैसला किया है। 12 सितंबर से फौजी बैंड सामने नवाजी करेगा। हमला की तरफ से खाने पीने और हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स लगाई जाएंगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार ने अपने ट्वीट में बताया कि गुज़श्ता मरतबा बच्चों की तफरी के लिए मौके फराहम किए गए थे। रजाकंडा पुलिस ने 2000 रुपये की जाली नोटों का कारोबार करने वाले 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि कीसरा पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई में करीमनगर से ताल्लुक रखने वाले टोली के पास से 1 करोड़ रुपए के जाली और 30,000 रुपए के असली नोट बरामद किए गए। इस टोली में खातून भी शामिल है। उन्होंने हमसे अपील की कि वो जाली नोटों के चलन से होशियार रहें और बड़ी नोटों को कबूल करने से कबल उसकी जांच पड़ताल कर लिया करें। అతను కిసరా పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి అక్కడ అది నాకు ఒక గ్యాంగ్ 5 లక్షలు చేస్తూ మోసం చేశారని చెప్పారు. ల్యాండ్ చూపిస్తారని నాకు మోసం జరిగిందని ముందు చెప్పారు. తర్వాత మళ్ళా
మనోని ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలు పెట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్న సమయంలో 9 నాడు అదే వ్యక్తి మళ్ళా పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి ఈ ల్యాండ్ విషయం కాదు అది బ్లాక్ మనీ విషయం ఉంది ఈ గ్యాంగ్ లో ఉన్నామంట సభ్యులు మీరు 1 lakh రూపీస్ ఇస్తే మీకు 5 lakh రూపీస్ వస్తుంది అని 2000 రూపీస్ నోట్ ఇస్తారు మీకు అని చెప్పి మా దగ్గర నుంచి 5 lakh రూపీస్ నాకు 5 lakh రూపీస్తో ఒక స్పాట్లు పిలిపించి అక్కడి నుంచి మళ్ళా వేరే స్పాట్లు ఆ పార్టీ ఉంది అని చెప్పి అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఆ స్పాట్ అది కిసరా పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో ఉంది అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ మళ్ళా ఎవరు పోలీస్ స్టేషన్ కూడా వచ్చారు నాకు మీరు బ్లాక్ మనీ బిజినెస్ చేస్తారని నాకు విధించారు నాకు కొంచెం అప్పుడు భయమైంది ఈ ఎవరు పోలీసులు తనిఖీ చేస్తున్నారు అని మా దగ్గర ఉన్న 5 lakh రూపీస్ ఒరిజినల్ వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు ఆ మాట వాళ్ళు చెప్పారు అక్కడ ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజ్ మిగతా సైంటిఫిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్తో మా డిఐ కిస్రా పోలీస్ స్టేషన్ బాగా నాయక్ వాళ్ళ టీం ఎస్ఎస్ఓ కిస్రా నరేందర్ ఏసీపీ డిసిపి అధ్వర్యంలో ఈ మొత్తం ఈ ర్యాకెట్ని जगतगिरी गुट्टे में एक 25 साल नौजवान का बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पेंटर पेशे से वाबिस्ता सुरेश पर कल रात दो अफराद रोशन और रोहित ने तेजधारी हथियार से हमला कर दिया। उसे फौरी गांधी हॉस्पिटल को ले जाया गया जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गया। रकमी लेन देन कत्ल की वजह बताई जाती है। पुलिस जगतगिरी गुट्टा ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मुजरिमीन की तलाश जारी है। एक गैर मामूली सियासी तब्दीली में हफ्ते की सहपहर गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने गवर्नर आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। उनके इस्तीफे की वजूहत का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। ताहम रूपानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रियासत के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से आवाम की खिदमत करने का मौका देने पर वो बीजेपी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वो बदस्तूर पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 33,376 नए केसेज सामने आने के बाद मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 3,32,00,000 के ऊपर चली गई है। इसी मुदत में 308 नई अमवात हुई हैं। इस तरह इस मर्ज से अब तक पूरे मुल्क में 4,42,317 अफराद फौत हो चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत के एक प्रेस नोट में ये तफसीलात बताई गई और कहा गया कि सेहतियाब होने वालों की शरह 97.85% हो चुकी है। वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में अब तक 73 करोड़ अफराद कोविड-19 वैक्सीन के टीके ले चुके हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब को जो हफ्ते को मुकर्र थी मुलतवी कर दिया। तालिबान का कहना है कि ये इसराफ है, चुनाचे तकरीब मुनक़िद न करने का फैसला किया गया। 11 सितंबर को अमेरिका में 20 साल कबल हुए हमले के दिन हलफबरदारी की तकरीब मुनक़िद करने पर कई हलकों की तरफ से एतराज़ किया जा रहा था और इसी दबाव के तहत तकरीब को मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी तरफ इनामुल्ला संगमानी ने कहा कि अफगान हुकूमत ने हलफबरदारी की तकरीब को चंद दिन कबल ही मुलतवी कर दिया था और हुकूमत पहले से ही बाज़ाब्ता काम कर रही है। इसी दौरान मालूम हुआ कि सूबे पंजशीर में अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्ला सालेह के भाई रूहुल्ला सालेह को तालिबान ने हलाक कर दिया। उनके भांजे इबादुल्ला ने बताया कि रूहुल्ला सालेह की नाश को ये कहते हुए वहीं छोड़ दिया गया कि इसे सड़ने दिया जाए और नाश को दफन करने से भी बाज रखा गया। वाज़ेह है कि तालिबान ने 2 दिन कबल पंजशीर पर अपने मुकम्मल कब्जे का ऐलान किया, वो भी ऐसे वक्त जबकि अहमद शाह मसूद और साबिक नायब सदर अमरुल्ला सालेह मुल्क से फरार हो गए।